आज हम चिकन कढ़ाई बना रहे हैं, इसके लिए मैंने एक मीडियम साइज़ का चिकन लिया है। 8 टमाटर लिए हैं, उसको मैंने हाफ कर दिया। 1 इंच का टुकड़ा अदरक का और 4-5 क्लोव्स गार्लिक के, उनको मैंने लेके क्रश कर दिया, इसमें ग्राइंड कर दिया है। 1 टीस्पून लिए मैंने मोटी मोटी दड़ी हुई काली मिर्चें, जो कि इनको मैंने तवे पे थोड़ा सा भुना है। भुनने के बाद मैंने मोटा मोटा रफली क्रश कर लिया। 1/2 टीस्पून सफ़ेद मिर्चें हैं, 1 टीस्पून सॉल्ट, 1 टीस्पून टर्मरिक पाउडर, 1 टीस्पून गरम मसाला और ये 1/2 चिली है। और ये थोड़े से मैंने जूलियन बना लिए हैं गार्निश के लिए, और ये ग्रीन चिली के भी गार्निश के लिए। तो इसमें मैंने कढ़ाई में, चलिए बनाते हैं। अब कढ़ाई में मैंने घी डाल दिया है तकरीबन 1/2 कप। इसमें मैं अब चिकन डाल के बनती हूँ। अभी हम चिकन को फ्राई कर रहे हैं। मैंने ये चिकन स्किन के साथ है लिया है, आप स्किन के बगैर भी ले सकते हैं, आपकी चॉइस है। अब हम चिकन को थोड़ा सा भून लेते हैं। जैसे ही इसका कलर चेंज होता है तो इसमें हम जिंजर गार्लिक का पेस्ट, जो कि हमने ग्राइंड किया हुआ, वो इसमें डाल देते हैं। अभी चिकन का कलर चेंज हो गया है, इसमें हम अदरक लहसुन ये डाल देंगे और फिर उसके बाद इसके ऊपर टमाटर रख के कवर कर देंगे। अभी हमने जिंजर गार्लिक का पेस्ट इसमें डाल दिया है। थोड़ा सा इसको और भूनते हैं। अब इसके ऊपर हम टमाटर रख देते हैं। अभी सही सारे टमाटर रखते हैं। और 5-10 मिनट के लिए अभी आप इंतजार करते हैं। इस तरह करने से टमाटो के ऊपर से छिलका सॉफ्ट हो जाएगा और उसको हम उतार देंगे। अभी तकरीबन इसके 10 मिनट हो गए हैं। अब हम इसकी स्किन को उतार देंगे और इसमें सारे मसाले डाल के फिर फ्राई करेंगे। इसको हम इस तरह फ्राई करेंगे थोड़ा सा। अभी हम इसमें सारे मसाले डाल देते हैं और इसको फ्राई करेंगे। तो टर्मरिक पाउडर, गरम मसाला, काली मिर्च, सफेद मिर्च, सॉल्ट,
इसको हम हाई फ्लेम पे इसको हम पकाएंगे जब तक कि हमारा चिकन गल जाता है। पांच मिनट के लिए दोबारा इसको कवर कर लें। इसके बाद पांच मिनट हो गए कवर किए हुए। अगर इसमें पानी की ज़रूरत पड़े कर नीचे लग जाता है तो आप थोड़ा सा पानी भी डाल सकते हैं। अब हमारी चिकन कढ़ाई बन गई है। अब इसको हम फ्रेश जिंजर और ग्रीन चिलीज के साथ गार्निश कर लेते हैं और थोड़ा सा लेमन जूस भी डाल लेते हैं। इसके ऊपर आप फ्रेश धनिया भी डाल सकते हैं। चिकन कढ़ाई अभी तैयार हो गई है। अगर आपको मेरी वीडियो पसंद आए तो सब्सक्राइब करें और दोस्तों के साथ शेयर करें।